नमस्ते, मेरा नाम निकी कुमार झा है। मैं जेल बजाज इंस्टीट्यूट का एक प्राउड एलुमनाई हूँ। आपने मुझे शार्क टैंक इंडिया पे देखा होगा या तो हिस्ट्री टीवी के ओ माय गॉड शो पे देखा होगा। मैं सप्तकृषि साइंटिफिक प्राइवेट लिमिटेड का को फाउंडर हूँ। सप्तकृषि के अंतर्गत हम लोग एक बहुत ही यूनिक स्टोरेज बनाते हैं जो स्पेशली डिजाइंड होता है स्मॉल फार्मर, रेड़ी वाला, ठेला वाला, छोटे किसान, सीमांत किसानों के लिए। हम उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो उनका फल और सब्जी सड़ जाता है या खराब हो जाता है, हम अपने स्टोरेज के माध्यम से उसको फ्रेश रखते हैं और उसके सेल्फ लाइफ में 3 से लेकर 30 दिन तक वृद्धि करते हैं। यह जो फल और सब्जी के बर्बादी का समस्या है, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है टेक्नोलॉजी का। और वो जो टेक्नोलॉजी का लेंस है, वो मुझे यहाँ जेल बजाज में मिला। जब मैं यहाँ कॉलेज में था तो कई सारे कोर्सेस मैंने किए, कई सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए, तो ये सभी चीज़ें जो है मुझे यहाँ मिली। जो मेरा कॉलेज लाइफ था उसमें मैंने कॉलेज से बहुत कुछ सीखा, तो आज मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं कॉलेज के जो अपने जूनियर्स हैं उनके साथ उनको जो भी मैं आज सीख पाया हूँ, बड़े बड़े इंटरनेशनल नेशनल मंचों पर जा करके सीख पाया हूँ, वो मैं अपने जूनियर को दूँ। और जब भी आता हूँ मैं तो मैं बच्चों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप पे सेशन लेता हूँ। मैं उनको सिखाता हूँ कि आखिरकार प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कैसे होना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नेटवर्किंग का, क्योंकि मेरा पर्सनल बिलीफ भी इसमें है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो जो भी बच्चों को मैं 1-to-1 मेंटरिंग करता हूँ, जिनका भी जो भी मेरे से 1-to-1 कनेक्ट होते हैं, तो उनको मैं अपना नेटवर्क देता हूँ। मुझे साथ मिला गवर्नमेंट का और आज हम थाउजेंड्स ऑफ स्टोरेजेस डिप्लॉय कर चुके हैं, और तो और हमें कई सारे गवर्नमेंट्स ने सब्सिडी हमारे प्रोडक्ट को दिया है, जिससे कि हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने अपने प्रोडक्ट को आज ये इस मुकाम पे पहुंचाया है कि आज आप कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर के कटक तक, कहीं पर भी देखें तो हमारा प्रोडक्ट डिप्लॉय आपको दिख जाएगा। एक चीज़ में मुझे गर्व करने का महसूस किया कि आज जेल बजाज भी बदलते भारत के साथ ताल में ताल मिला के चल रहा है। यहाँ का जो एंटरप्रेन्योरशिप सेल में घूमा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ मुझे 33 से 34 स्टार्टअप्स मिले जो काम कर रहे थे। तो मैं ये एश्योरिटी के साथ आज कह सकता हूँ कि हमारा भविष्य जो है अच्छे हाथों में है।